मॉर्निंग एवरीवन, टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन टू द इंटरनेट. ओके, सो व्हाट इज द इंटरनेट? नेटवर्क को आपस में कनेक्ट कर देते हैं तो हमारा बनता है इंटरनेट. और इंटरनेट एग्जांपल किसका होता है? वाइड एरिया नेटवर्क. व्हेन वाइड एरिया नेटवर्क, व्हेन वी विल कनेक्ट ऑल द कंप्यूटर्स अक्रॉस द ग्लोब, इट इज कॉल्ड व्हेन. द बेस्ट एग्जांपल ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क इज इंटरनेट, बिकॉज वी आर यूजिंग इंटरनेट टू कनेक्ट ऑल द कंप्यूटर्स. ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे. What is the history of internet? इंटरनेट की स्टार्टिंग कहाँ से हुई, किस तरह से इंटरनेट हमारा बना और किस तरह से ये काम करता है. ओके, सो लिसन केयरफुली. द इंटरनेट हैज नॉट ऑलवेज बीन द वे टू सी इट टूडे, इट हैज ग्रेजुअली इवॉल्व ओवर टाइम. द इंटरनेट कम इन टू एग्जिस्टेंस इन 1969. इंटरनेट किसने डिजाइन किया था? आर्पानेट. किस ईयर में? 1969. व्हेन द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस स्पॉन्सर्ड ए प्रोजेक्ट, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क. तो इंटरनेट हमारा कब डिजाइन हुआ था? 1969 में. और ये डिजाइन किसने किया था? आर्पानेट. आर्पानेट की फॉर्म क्या होती है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क. एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क. अब आर्पानेट जो कंपनी थी, इसने इंटरनेट को 1969 में डिजाइन किया. लेकिन डिजाइन किसके लिए किया? यूएस गवर्नमेंट के लिए, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस. प्रॉब्लम सब हमारे पास क्या आती थी, कुछ 1969 से अगर हम पहले की बात करें तो मान लो, जो हमारे इंडिया का ही एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे इंडिया के 4 मेन सिटीज हैं, कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई एंड दिल्ली. अब इन चारों सिटी में से किसी भी एक सिटी पर कोई अदर कंट्री अटैक कर देती है तो एक जगह से मैसेज सेंड करने में दूसरी जगह तक बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तब तक हम हार जाते हैं. हो सकता है हमारा बैकएंड सपोर्ट तब तक वहाँ पर ना पहुँच पाए. तो इसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए यूएस डिफेंस एकेडमी ने आर्पानेट कंपनी को ये प्रोजेक्ट दिया था कि आप इंटरनेट डिजाइन कीजिए, जिससे कि हम एक जगह लोकेशन से दूसरी जगह पर इजीली अपना डेटा ट्रांसफ़र कर सकें, अपने मैसेजेस को कम्युनिकेट कर सकें. ओके, द पर्पज ऑफ दिस नेटवर्क वाज टू कनेक्ट कंप्यूटर्स लोकेटेड एट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ एंड रिसर्च लैब अक्रॉस द यूएस. और जो ये नेटवर्क डिजाइन किया गया था, इसका मेन पर्पज था कि पूरी अमेरिका में जो भी लाइब्रेरीज थी, यूनिवर्सिटीज़ थी और यूएस गवर्नमेंट के जो भी ऑफिसेस थे, उन सभी को आपस में कनेक्ट किया जा सके. आर्पानेट वाज स्टार्टेड विथ न्यू कंप्यूटर्स बट एक्सपेंडेड रैपिडली. जो आर्पानेट स्टार्टिंग में बस कुछ कंप्यूटर के साथ में ही स्टार्ट हुआ था, विथ फ्यू कंप्यूटर्स, और धीरे धीरे ये इंक्रीज होता चला गया. इन मिड 80s नेशनल साइंस फाउंडेशन क्रिएटेड ए न्यू नेटवर्क कॉल्ड नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क, NSFNet. मिड 80 के आसपास NSF जो एक कंपनी है, नेशनल साइंस फाउंडेशन, उसने एक अपना नेटवर्क क्रिएट किया जिसको NSF नेट के नाम से जाना जाता है, विच वाज मोर कैपेबल देन आर्पानेट. जो आर्पानेट से कहीं ज़्यादा बेहतर था,
However, NSFNet was created only for academic research and not for business. लेकिन जो NSFNet डिजाइन किया गया था वो सिर्फ एकेडमिक रिसर्च करने के लिए था, यूनिवर्सिटीज के लिए था, किसी भी तरह के बिजनेस करने के लिए नहीं था. Therefore, many private companies created their own network. इसके बाद बहुत सी प्राइवेट कंपनीज ने अपने नेटवर्क क्रिएट किए विच वर देन इंटरकनेक्टेड विद ARPANET एंड NSFNet टू फॉर्म द इंटरनेट. इसके बाद उस जो कंपनी ने नेटवर्क क्रिएट किए थे उन सभी नेटवर्क को उन्होंने ARPANET और NSFNet से जोड़ दिया जिससे कि वो इंटरनेट एक्सेस कर सके. नीड ऑफ इंटरनेट, हमें इंटरनेट की नीड क्यों हुई? आजकल तो हम जानते हैं कि इंटरनेट का हमारे पास क्या यूज होता है, कि इंटरनेट के बिना हम एक सेकंड भी नहीं बैठ सकते. पूरे टाइम मोबाइल में कभी व्हाट्सएप मैसेजेस, ईमेल्स, चैटिंग, हमेशा उसमें बिजी रहते हैं. तो स्टार्टिंग में इंटरनेट की नीड क्यों हुई? इंटरनेट इज ए पावरफुल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. तो इंटरनेट एक बहुत ही पावरफुल सोर्स है इंफॉर्मेशन का, कि इंटरनेट की हेल्प से हम कोई भी इंफॉर्मेशन इजीली गैदर कर सकते हैं. इट हैज़ मेड एवरीवन्स लाइफ इजियर एज यू कैन परफॉर्म मल्टीपल टास्क सिटिंग इन योर रूम. इंटरनेट की हेल्प से हर किसी की लाइफ बहुत ही ईजी हो गई है. आप घर पर बैठे बैठे कोई भी टास्क कंप्लीट कर सकते हैं. यू कैन शॉप ऑनलाइन, बुक ए टिकट, मेक ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस. द इंटरनेट हैज़ प्रोवाइडेड इजी टू इज टू पीपल. इंटरनेट ने हमारा काम बहुत ही आसान कर दिया है. यू नो लॉन्गर नीड टू वेट इन लॉन्ग क्यूज फॉर बुकिंग टिकट्स. आपको टिकट बुक करने के लिए बहुत ज़्यादा देर तक लाइन में नहीं लगना, आप ऑनलाइन टिकट बुकिंग करा सकते हैं. मेकिंग पेमेंट्स, ट्रांसफरिंग फंड्स. सो दीज आर द मेन रीजंस टू डिजाइन इंटरनेट. ओके, कनेक्टिंग टू द इंटरनेट. डू यू वॉन्ट टू कनेक्ट टू द इंटरनेट एंड अवेल द वेरियस सर्विसेज दैट प्रोवाइड्स. अगर आप इंटरनेट यूज करना चाहते हो, इसकी फैसिलिटीज को यूज करना चाहते हैं, इसके सर्विसेज को एक्सेस करना चाहते हैं, देन दिस व्हाट यू नीड. तो आपको कुछ बेसिक चीज़ें जिनकी आपको रिक्वायरमेंट होती है. फर्स्ट, एक कंप्यूटर. आपको एक कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट होती है. द फर्स्ट थिंग इज दैट यू नीड टू कनेक्ट टू द इंटरनेट इज ए कंप्यूटर. इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपको एक कंप्यूटर की नीड होती है, सच एज नोटबुक, लैपटॉप और डेस्कटॉप कंप्यूटर. यू कैन ऑल्सो कनेक्ट टू द इंटरनेट बाई यूजिंग हैंडल डिवाइसेज. आप हैंडल डिवाइसेस का यूज़ करके भी कंप्यूटर से कनेक्ट हो सकते हैं, सच एज स्मार्टफोन एंड टैबलेट्स. सेकेंड पॉइंट, एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ISP सब्सक्रिप्शन. अब ISP क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, जिनकी इंटरनेट सर्विसेज को हम यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल, एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, जियो, ये सभी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जिनका हम सिम कार्ड मोबाइल्स में यूज करते हैं और मंथली प्लान्स परचेज करते हैं. उसी के बेसिस पे ये कंपनीज हमें इंटरनेट प्रोवाइड करती हैं. वंस यू हैव ए कंप्यूटर, यू नीड ए सब्सक्रिप्शन फॉर द इंटरनेट कनेक्शन फ्रॉम एन ISP. एन ISP इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइड इंटरनेट एक्सेस फॉर पर्सनल एंड बिजनेस नीड्स. ISP क्या होती है? जो हमें पर्सनल और हमारे बिजनेस नीड्स के अकॉर्डिंग हमें इंटरनेट प्रोवाइड करती है. सम ISPs इन इंडिया आर एयरटेल, रिलायंस, BSNL एंड MTNL, वोडाफोन. नेक्स्ट वन इज मॉडम. अब मॉडम क्या होता है? ए मॉडम इज ए डिवाइस दैट एक्ट्स लाइक ए ट्रांसलेटर. मॉडम एक डिवाइस होती है जो ट्रांसलेटर की तरह काम करता है. योर कंप्यूटर एक्सेप्ट एंड रिसीव डिजिटल सिग्नल्स. आपके जो कंप्यूटर होता है वो एक्सेप्ट करता है या रिसीव करता है? क्या रिसीव? डिजिटल सिग्नल्स को रिसीव करता है. However, द केबल लाइन्स दैट कनेक्ट टू योर होम टू ISP कैरी एनालॉग सिग्नल. जो आपके घर पे केबल लाइन्स कनेक्टेड होती हैं इनमें हमारे एनालॉग सिग्नल्स ट्रेवल करते हैं. तो मॉडम का काम क्या होता है? मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर. ये एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है और डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है. तो ये कुछ बेसिक डिवाइसेस थी जिनकी हमें नीड होती है. तो हमारे सिस्टम में कंप्यूटर में इंटरनेट एक्सेस हो गया है. नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर. अब आपको एक सॉफ्टवेयर की नीड होती है जिसके थ्रू आप कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं. ए वेब ब्राउजर इज ए सॉफ्टवेयर दैट इनेबल्स यू टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन अवेलेबल ओवर द इंटरनेट. इंटरनेट पर जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसको एक्सेस करने के लिए आपको एक वेब ब्राउजर की नीड होती है. फॉर एग्जाम्पल, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा, UC ब्राउजर, दीज आर ऑल द इंटरनेट वेब ब्राउजर्स. Where does the information get information from? जो भी information हम internet पर search करते हैं ये information हमें मिलती कहाँ से है? तो इसके लिए हमने आपको
क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का एक मॉडल बताया था। तो जितनी भी हमारी वेबसाइट्स होती हैं वो सभी कहाँ पे स्टोर होती हैं, www वर्ल्ड वाइड वेब, जितनी भी वेबसाइट्स हैं ये हमारे वेब सर्वर पे स्टोर हो जाती हैं। और जब भी हम कोई कीवर्ड सर्च करते हैं वो कीवर्ड डायरेक्ट हमारे वेब सर्वर में सर्च किया और सर्वर में वर्ल्ड की जितनी भी वेबसाइट्स हैं जितना भी डेटा पूरा स्टोर है। तो इजीली हम मेन सर्वर से सभी डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। द इंफॉर्मेशन कम्स फ्रॉम द वर्ल्ड वाइड वेब। द www इज ए सिस्टम ऑफ इंटरलिंक्ड डॉक्यूमेंट मेंटेन्ड ऑन वेरियस कंप्यूटर्स ऑन द इंटरनेट। दीज डॉक्यूमेंट्स आर कॉल्ड वेब पेजेस। डॉक्यूमेंट्स को हम क्या कहते हैं, वेब पेजेस। वेब सर्वर हमारा क्या होता है, वेब सर्वर इज द कलेक्शन ऑफ वेबसाइट्स, वेबसाइट इज द कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। और वेब पेजेस में क्या होता है, डेटा एंड इंफॉर्मेशन। ईच वेब पेज रिसाइड्स इन ए वेबसाइट्स। जो भी हमारे वेब पेज होते हैं सभी वेबसाइट में रहते हैं। वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड वेब पेजेस डिस्प्लेइंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन ऑन ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट। वेबसाइट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वेब पेज जिसपे किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। इन ए क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर ए क्लाइंट कंप्यूटर सेंड द रिक्वेस्ट टू द वेब सर्वर फॉर द पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन। द सर्वर रिसीव्स द रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्ड्स टू द क्लाइंट विद द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में होता क्या है, एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन कर दें। वेब सर्वर्स ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट पे बहुत से वेब सर्वर्स अवेलेबल हैं। ईच वेब सर्वर इज असाइंड ए यूनिक इंटरनेट प्रोटोकॉल। सभी वेब सर्वर्स को एक यूनिक इंटरनेट प्रोटोकॉल असाइन किया गया है, यूनिक नंबर असाइन किया गया है, सच एज 192.168.3.85। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल और IP एड्रेस। ओके, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।